Method of analysis and the interpretation of the Lagrange multiplier. Lagrange multiplier that was basically devised to solve the solutions in economics, and when we have to decide our objective function respective to the constraint and through the procedure of the optimization. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो चूंकि प्रीवियस मॉड्यूल में ये कुछ चीज़ें हम कर चुके थे कि जिसमें हम देखते हैं कि ऑप्टिबल वेक्टर की नेसेसरी कंडीशन क्या हैं उसकी इक्वेशंस कौन सी तय होती हैं तो जब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्ट्रेंट है तो एक तीसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाती है जो कॉन्स्ट्रेंट को विद लेमडा के साथ तय करती है और अब हमारे पास जो तीनों इक्वेशंस में से देखें तो तीन अननोन मौजूद हो जाते हैं जो कि पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक था अब हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो वाली वैल्यू आ गई जो हमने कैलकुलेट कर दी है जो हमारी सेटिस्फाई करेगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट और सेकेंड हमारी ये होगी और थर्ड होगा हमारा लैमडा की वो वैल्यू जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टीमल वे में सॉल्व करने की हेल्प करेगी और अब यहाँ पे जो लेमडा है ये हमारा जो है विद कॉन्स्ट्रेंट जो है एज ए एक्जोजिनस पैरामीटर है ये फ्रॉम विद इन द सिस्टम मौजूद नहीं है और इसीलिए जब हम उस अन को एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर बी हम यहाँ पे हल करते हैं अब हम इसको जब सॉल्व करना चाहते हैं तो हम थ्रू द एनवेलप थ्योरम और इम्प्लिसिट फंक्शन हम डायरेक्ट इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो वो जो ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ एक्स तो दैट विल बी कॉल्ड ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी एक्स की बहुत सारी फंक्शंस की फॉर्म की होंगी लेकिन उसमें एक्स की वो वैल्यू जो बेस्ट सोलूशन दे उसी तरह एक्स की टू की वैल्यू और उसी तरह लेमडा की तो वो वाली वैल्यूज़ जो सेटिस्फाई करें हमारी उस कॉन्स्ट्रेंट की कंडीशन को और हेल्प करें हम ऑप्टिमल कंडीशंस को सॉर्ट आउट करने में वो कंडीशन जो हैं वो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को करने में ऑप्टिमाइज वैल्यू कहलाती है तो द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो पॉइंट पॉइंट पे पे या ऑप्टिमल होगी उसको हम स्टेरिक से शो करते हैं जो हमारे पास आती है कि v जो है ये फंक्शन है x1 का स्टेरिक का x2 की स्टेरिक का और उसी तरह ये पॉसिबल है कि ये लेमडा का भी हो तो अब यहाँ पे अगर हम कहें तो ये जो v स्टेरिक है इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज और वो वैल्यूज जो हम डायरेक्टली थ्रू इम्प्लिसिट फंक्शन या एनवेलप थ्योरम के हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं अब लगरेंज फंक्शन को अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लें तो सिंपल फॉर्म में हम इसको हल कर सकते हैं कि वेन लगरेंज इज सेट इक्वल टू जीरो और उसके बाद हम उसके डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं लगरेंज के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल देन सेकेंड एंड देन विद रिस्पेक्ट टू लेमडा अगर हम इसकी एक एग्जाम्पल यहां पे सॉल्व करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो हैं वो या कंजम्पशन की होंगी या प्रोडक्शन की होंगी तो यहाँ पे अगर मैं एक देना चाहूँ जिसमें हम कहें कि जो प्रोडक्शन है क्वांटिटी है प्रोडक्शन फंक्शन है जिसके लिए अगर हम कहें कि उसका कॉन्स्ट्रेंट जो है वो हमारे पास होगा कि वेज का रेट और मल्टीप्लाई बाय लेबर प्लस कैपिटल का और उसी तरीके से एंड दैट दे बोथ शुड बी इक्वल टू आवर बजट लाइन या कॉस्ट तो अगर हम जब इसको जीरो की इक्वल सेट करेंगे तो हम कहेंगे कि डब्ल्यू एल प्लस आर के माइनस सी इज इक्वल टू जीरो तो ये हमारा इस फॉर्म में फंक्शन बन सकता है और यहाँ पे अगर अब हम इसको लगरैंज की शक्ल में कहेंगे तो जो लग्रेंज है वो हमेशा हमारे पास बनेगा ट्वेंटी एक्स प्लस थर्टी एल और अब यहाँ पे हम देखें तो देट विल बी इक्वल टू माइनस लेमडा इन टू डब्ल्यू एल प्लस आर के माइनस सी और उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मैंने इसको अगर हम एक्स की बजाय हम यहाँ पे चाहें तो इसको आसानी के लिए हम ट्वेंटी के भी रख सकते हैं तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे अब हम लें कि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू के इसका पहला डेरीवेटिव लें तो दैट विल बीवल टू ट्वेंटी एंड वेन आई विल टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेबर स्मॉल दैट विल बी थर्टी एंड when it will be equal to change in lambda and here now i have part of this 20 but now with respect to k when we will come here that multiply by the lambda that will be equal to minus lambda k and this will be equal to minus lambda w and with respect to lambda this whole function it will come here and equating these three equations equal to 0 and now even if single equation if I will bring the lambda on one side that will be equal to that 20 is equal to lambda k or other form that lambda is equal to 20 by k and here again we can say that 30 minus lambda w will give us equal to lambda w and then again lambda will be equal to 30 by w and this equation will give us WL plus RK minus C is equal to 0. So, from here either we can take the value of K that will give us the 20 by lambda or like this we can equate this value in this equation and we can solve. So, basically the lambda is the Lagrange multiplier that gives us the rate of change. In the dependent variable with respect to our that explanatory variable with respect to which we are going to solve our objective function so that lagrange multiplier is basically the derivative of the optimal value with respect to our that parameter value b and or in other words we can say it is that rate at which the changes in the constraint parameter b occurs and that rate provides us the solution to our all the objective function that we want to solve with respect to our constraint. And so according to this Lagrange multiplier theory, we can calculate the effect through this Lagrange on the solution of the value value and this are the values solution gives us through two points. Means optimized values of x1 and optimized values of x2. So, this Lagrange multiplier will give us the rate of change and the solution to our economic theoretical problems. Thank you.